हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आई हूँ साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट लेकर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि साड़ी से मैंने किस किस तरह की ड्रेसेस तैयार की हैं, तो जो मैंने और ड्रेसेस तैयार की हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी पहली ड्रेस की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भी मेरी बहुत ही खूबसूरत और फेवरेट ड्रेस है, और ये मेरी ऑर्गेंजा सिल्क की साड़ी थी। आप सबको पता है ऑर्गेंजा सिल्क कितना कॉस्टली साड़ी आती है। तो ये जो साड़ी है एक तो काफ़ी आपको पता है फ्लफी होती है, तो पहनना इजी नहीं होता, कैरी करना इजी नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि इसका अगर मैं फ्लेयरी कुर्ता बनाऊंगी तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा फ्लफी इसका जो होता है लुक होता है, टेक्स्चर होता है वो फ्लफी होता है। तो मैंने इसका ये अनारकली बनाया। ये देखिए आप इसका फ्लेयर देखिए, बहुत ही अच्छा। पूरी साड़ी मैंने यूज़ करी है, सिर्फ इसका पल्लू वाला पार्ट मैंने हटा दिया, बिल्कुल प्लेन इस तरह की साड़ी थी मेरी। और इसमें मैंने देखिए डिफरेंट लुक देने के लिए करा क्या है, इसकी चोली क्योंकि ये बहुत सटल कलर है, बहुत ही लाइट शेड है, तो पार्टी वेयर लुक देने के लिए मैंने क्या किया, जो इसकी स्लीव्स थी ये देखिए, स्लीव्स पे मैंने इस तरह से कोल्ड शोल्डर तैयार किए थे। और उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसके साथ मल्टी कलर दुपट्टा लेती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बीड्स वर्क किया हुआ है। तो ये बीड्स वर्क से, ये भी देखिएगा चैनल पे मैंने डाला हुआ है कि मैंने कैसे बनाया है, इस तरह से ये इसकी लेयर्स थी मैंने, और जब हम पहनते हैं तो ये इस तरह से स्लीव्स पर लेयर्स के फॉर्म में आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरह से आता है, पहनने के बाद ये बिल्कुल फिट हो जाता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो स्लीव्स पे मैंने ये इस तरह से बीड्स वाला वर्क किया। देन नेक पे मैंने क्या किया, जो ये नेक था यहाँ पे मैंने सिंपल ये देखिए गोल्डन इस तरह से पाइपिंग लगाया हुआ है। तो इस पाइपिंग के साथ बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेस नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत मैंने जैसा बताया बहुत लाइट शेड था। तो मैंने क्या किया, मार्केट में ये नेकलेस मिलते हैं, ये आप लोग इसको देख के ही पहचान गए होंगे, ये मल्टी कलर के नेकलेस बहुत फैशन में थे उस टाइम पर जब मैंने लगाया था, और अभी भी जब मैं इसे कैरी करती हूँ तो बहुत ही सुंदर लगता है ये सूट। तो ये मल्टी कलर का नेकलेस मैंने लिया, उसका जो डोरी वाला पार्ट था वो मैंने निकाल दिया। तो जब मैंने डोरी वाला पार्ट निकाला फ्रेंड्स, तो ये सारे पार्ट अलग अलग हो गए थे। ये देखिए ये इस तरह से हुक्स होते हैं, तो मैंने उसमें एक डोरी डाल के और उसको इस अपने नेक पर अटैच कर दिया, बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में मेरा नेक है, ये देखिए। तो ये जब मैं पहनती हूँ बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके साथ जो दुपट्टा है, मैं कभी ब्लू डाल लेती हूँ, कभी पिंक डाल लेती हूँ, जैसा मूड होता है। जब आप दुपट्टा चेंज कर लेते हैं तो ड्रेस का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपनी इस साड़ी को यूज़ किया और पार्टी वेयर ड्रेस तैयार की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरे पास ये लहरिया प्रिंट की साड़ी थी, रेड कलर की। कलर भी मुझे बहुत पसंद था, पर वही है कि आजकल ट्रेंड में सूट है, साड़ी में कैरी कम करती हूँ, तो इतनी साड़ियाँ हैं मेरे पास, तो मुझे लगता है कि मैं उनका कुछ ना कुछ यूज़ करती रहूँ। तो देखिए इस पूरी साड़ी पर इस तरह से ये रिबन वर्क था, काफ़ी हैवी लगती है ये साड़ी पहनने के बाद, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ पार्टी वेयर सूट बना लेते हैं। तो जो उसका बॉटम पार्ट था उस पर इस तरह से वर्क था, तो मैंने उसे कटिंग ना करके पूरा इस तरह से यानी कि लोअर पार्ट में ये पूरा बॉटम वाला पार्ट अपनी साड़ी का रख दिया। तो ये दो पीसेज में है, यहाँ से ये चोली वाला पार्ट है और ये स्कर्ट एरिया है। तो जो चोली वाला पार्ट है ये देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से ये पोटली बटन इसमें डाले हैं, और इसका वीडियो देखना मत भूलिएगा, पूरी स्टिचिंग का वीडियो है, कटिंग का वीडियो है उसमें। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी इस तरह से देखिए मेरा बूटा आ गया। और जो ऊपर का पार्ट है ये मैंने बिल्कुल प्लेन रखा, जो साड़ी का जो अपर डाउन वाला पार्ट हमने यूज़ कर लिया, तो कटिंग में जो अपर वाला पार्ट प्लेन वाला एरिया था उससे मैंने ये देखिए दो पीसेज में करा था, ताकि हमारा वो पार्ट यूज़ हो जाए, वेस्ट ना जाए, और उसमें मैंने इस तरह से बटन लगाए हैं। और जो बैक साइड है दोस्तों, ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैक में इसको डिज़ाइनर नेक बनाया है, और इसमें ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये चिट बटन लग जाते हैं, और ये इस तरह से ये नेक क्रिएट होता है। इसमें मैंने ये थोड़ा सा गोल्डन लेस इससे इसको कंबाइन करने के लिए कि ये एक सा लगे, तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर ये गोल्डन लेस लगाई है, और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें ये देखिए ये प्रिंट डायगनल आ रहा है, और ये प्रिंट इस तरह से डायगनल जा रहा है, तो ये जब पहनती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है। और इसी तरह से आपने आगे ध्यान दिया होगा, ये देखिए आगे जो मैंने इसका पार्ट, ये कटिंग के समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, तो जो आगे वाला पार्ट मैंने निकाला वो देखिए आप इस तरह से, जबकि ये साड़ी आपको दिख रही होगी इस तरह से स्लैंटली लाइन थी, यानी तिरछी लाइनें पड़ी हुई थी लहरिया प्रिंट में। तो मैंने जो इसका चोली वाला पार्ट निकाला वो इस तरह से निकाला,
तो ये वी शेप क्रिएट किया है मैंने। तो ये कटिंग के समय थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो बिल्कुल डिजाइनर ड्रेस तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल पार्टी वेयर सूट मेरा बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये साड़ी मेरी मदर की थी और ये देखिए ये ऑल ओवर प्रिंट की साड़ी थी और काफी गॉडी है, तो इसे वो पहनती नहीं थी, उन्होंने मुझे दे दी थी। तो मैंने इससे क्या किया, इससे दो कुर्तियां बनाई, एक अपनी और एक अपनी सिस्टर की। तो जो ये कुर्ती है ये देखिए मैंने कैसे किया है, इसमें बोट नेक बनाया है बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इसमें क्या था जो इसमें डिजाइन है वो आड़ी थी। ये मैंने इसको देखिए लंबाई में लिया है, पर जो ये साड़ी थी उसमें ये डिजाइन आड़ी थी, तो आड़ी डिजाइन यानी कि जो कैसे बताऊं मैं आपको, ये मैंने वर्टिकल बनाया है और जो डिजाइन था वो हॉरिजॉन्टल था। तो वर्टिकल बनाने से होता क्या है, आपकी लेंथ और ज्यादा लगती है, तो मैंने इसलिए इसको वर्टिकल इस लाइंस को रखकर यानी लंबाई में रखकर इस तरह से इसका कुर्ता निकाला और स्ट्रेट ये कुर्ता निकाला है मैंने। और ये देखिए ये स्लीव्स में मैंने अस्तर नहीं लगाया है, फुल स्लीव्स चूड़ीदार स्लीव्स बनाई, क्योंकि पूरी ऑल ओवर साड़ी थी तो 5.5 मीटर कपड़ा था, तो बहुत आराम से दो कुर्तियां निकली। और इसमें सिर्फ मैंने ये सिर्फ ये करा है कि ये बोट नेक बनाया, और बोट नेक बनाने के बाद जो बैक साइड है, बैक साइड में मैंने बोट नेक के साथ ये हल्का सा ये देखिए डिजाइन देने के लिए बैक में इस तरह से ये डिजाइन बनाया है बैक नेक में, और एक यहाँ पर ये बटन दिया है जिसे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाकर हल्की सी उसकी नॉब बना दी है, लुपी बना दी है। तो ये देखिए इस तरह से ये नेक बना दिया और बिल्कुल सिंपल कुर्ता बनाया है। इसे आप गोल्डन कलर के साथ डालें, पिंक कलर के साथ डालें, मरून कलर के साथ डालें, किसी के साथ भी ये बहुत सुंदर लगता है।